प्रतीत हो रही है। बहुत सारे मुद्दे उजागर हुए हैं इस एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से। पहला मुद्दा, श्वेत अमेरिकन लोगों के भीतर की असलियत सामने आई। जहां अमेरिका हमेशा से दूसरे को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता रहा, वहां उसके खुद के घर में इस तरह का आचरण एक बात तो साफ कर गया। चाहे कोई भी देश हो, मन में पूरी तरह वो कभी भी शरणार्थियों को मूल निवासी से ज्यादा अहमियत नहीं दे सकता। ये कोई अव्यवहारिक बात नहीं, सीधी बात है। आप पीढ़ियों से दूसरे देश में मेहनत करते हैं, फिर भी आपको उनसे कम ही आंका जाना है, क्योंकि आपको न्योता नहीं मिला था वहां आने का। आप अपनी मजबूरी के तहत वहां गए, साथ ही आपने वहां के स्थायी लोगों के मौके और संसाधनों पर हाथ मारा है। ऐसे में उनसे चाहे संबंध अच्छे हो जाए, फिर भी उनके मन की गांठ को निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा मुद्दा, प्रशासन का कठोर रूप। छोटी सी गलती पर पुलिस कर्मी इतनी कठोरता दिखा रहा है जैसे उस व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया हो। एक बार फिर से अमेरिका का ह्यूमन राइट्स का सच सामने आया, जहां पर एक छोटे से जुर्म पर भी जल्लाद जैसा व्यवहार अपनी जनता के साथ करना उनकी असल मानसिकता को दर्शाता है। एक निहत्थे व्यक्ति को जिससे किसी को भय नहीं था, उसे इस तरह से गर्दन दबोचकर हाथापाई करना सच बयान करता है। तीसरा मुद्दा, भुखमरी ने अब हालात और बिगाड़े। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि लोग अब उस हादसे का फायदा उठाकर रास्तों पर निकलकर लूटपाट कर रहे हैं और उसे सामूहिक दंगे फसाद का रंग दिया गया। चौथा मुद्दा, चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का अपना पापड़ सेकना है। इस हादसे को राजनीतिक पार्टियां अब अपने फायदे के लिए भी भुना रही हैं, जो आने वाले चुनाव में भावात्मक मुद्दा बनकर जीत हासिल दिलाएगा।